हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ले लिए हैं। आप देख सकते हो हम लोग आज बहुत ही इजी और हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्पिनेच यानी कि पालक, 100 ग्राम है वो। मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप करके ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है बेसन का पीट 2 टेबल स्पून, हाफ टोमेटो, एक छोटा टोमेटो अगर वो आप लेते हो तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा चॉप करके लेना है। ये है राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा 1 टेबल स्पून। ये कुछ मैंने हरी मिर्च ली है, थोड़ी थोड़ी चॉप करके लेनी है हमें। ये मैंने एक प्याज लिया है, ये भी चॉप करके लेना है। चॉप कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, ये कुछ मेरे पास चिली फ्लेक्स है, ये ऑप्शनल है अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आपने यूज़ किया तो भी कोई बात नहीं। जीरा है 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून, और यह है स्वाद अनुसार नमक। तो बढ़ते हैं हमारे रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पालक ली थी वो ले लेते हैं चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक। हमें इसे अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद डाल देते हैं प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटो, ये हम लोगों ने जो चावल का आटा ले लिया है वो। अगर आपके पास ये नहीं है तो अपने रवा वगैरह या सेमोलिना हम लोग जो बोलते हैं वो यहाँ पे ऐड किया तो भी चलेगा। ये मैंने लिया है बेसन का आटा 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च, कोरिएंडर लीव्स, स्वाद अनुसार नमक, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा और सबसे लास्ट में चिली फ्लेक्स। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है छोटे बच्चों के लिए। अगर 1.5 से 2 साल के लिए आपको देना है, टिफ़िन के लिए आपको देना है। बच्चे अक्सर ग्रीन वेजिटेबल्स खाने को बहुत ही मना करते हैं, तो ये फटाफट स्नैक्स आपको उनको बना के देने के लिए बहुत ही ईजी और मज़ेदार होगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और एक अच्छा सा थिक बैटर हम लोगों को बनाकर ले लेना है। बहुत ज़्यादा पानी का यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने प्याज टमाटर इसमें डाला है, तो उसको बाद में थोड़ा थोड़ा पानी छूटेगा। तो पानी आपको थोड़ा सा हिसाब से डालना है और एक अच्छा से बैटर बना कर ले लेना है। तो देखिए हमारा जो बैटर है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस मैंने यहाँ पे 1/2 बाउल यानी कि थोड़ा सा आधे ग्लास से भी कम पानी यहाँ पे यूज़ करके मैंने ये बैटर बनाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पतला हमको इसे नहीं बनाना है। तो हमारा स्पिनच का बैटर बनकर रेडी है। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा बटर। बटर डालने के बाद थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए फिर बैटर डाल देते हैं, और बैटर को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। जैसे हम लोग पैनकेक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे स्प्रेड कर लेना है। तो इसे मैंने अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं डाल के, तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं रखना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसे पलट के, तो देखिए कितने आसान तरीके से निकल के आ रहा है। तो बस इसे पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्पिनच और ऑनियन का जो पैनकेक है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि छोटे बच्चे वगैरह हो तो उनको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह बिल्कुल खाने में पसंद नहीं होता है, तो इस तरीके से आप लोग उनको बनाकर देते हो टिफ़िन्स के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो बहुत ही मज़े से खाएंगे। सॉस वगैरह उसके साथ अपने सर्व किया तो दिखने में भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो बहुत सारा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और
बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक न्यू रेसिपी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।